सोयाबीन के गिरते भाव से किसान परेशान हैं। पिछले सप्ताह कीमतों में थोड़ा सुधार हुआ था, जिससे किसानों को राहत मिली थी, लेकिन अब फिर वही स्थिति सामने आ गई है। भंडारित सोयाबीन की बिक्री एक बार फिर बढ़ने लगी है। सोयाबीन के भाव में भी प्याज की तरह रातों रात बदलाव हो रहा है। वही खरीफ सीजन के खर्चे निकालने के लिए किसान बाजार में कृषि उत्पादों को लेकर पहुंच रहे हैं और आवक बढ़ रही है। लातूर बाजार समिति में सोयाबीन की आवक बढ़ने से कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। लातूर मंडी में सोयाबीन का भाव पिछले सप्ताह 6,700 रुपए क्विंटल था, जो अब घटकर 6,500 रुपए क्विंटल पर आ गया है। जालना जिले की मंडी में सोयाबीन का रेट 5,400 रुपए प्रति क्विंटल है। इसी तरह नासिक में 4,234 रुपए प्रति क्विंटल और नागपुर मंडी में किसानों को 4,500 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर सोयाबीन मिल रहा है। किसानों का कहना है कि खरीफ में बुआई के लिए पैसों की जरूरत है, इसी वजह से वे कम दाम में अपनी सोयाबीन बेचने को मजबूर हैं। वहीं चना खरीद केंद्र बंद होने से किसान खुले बाजार में उपज बेचने पहुंच रहे हैं। इस समय अरहर और चने की कीमतें स्थिर हैं। वहीं सोयाबीन की कीमतों में तेजी से गिरावट आई है। बाजार में किसान गर्मी के लिए स्टोरेज किए हुए सोयाबीन को लेकर मंडी पहुँच रहे हैं। इस साल गर्मियों में पहली बार किसानों ने कृषि विभाग के मार्गदर्शन पर सोयाबीन की खेती की थी। अच्छा वातावरण और पानी मिलने से उत्पादन बढ़िया हुआ था, लेकिन कीमतों में गिरावट देख किसानों ने स्टॉक जमा कर लिया था, जिसे वो अब धीरे धीरे बेच रहे हैं। किसानों को उम्मीद थी कि आखिरी चरण में अच्छा रेट मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा कृषि विभाग किसानों से अपील कर रहा है कि खरीफ सीजन में किसान बाजार के बीजों की जगह घर के बीजों का इस्तेमाल करें। किसानों का कहना है कि सोयाबीन मराठवाड़ा की प्रमुख फसल है और यहाँ के किसान भाव को लेकर परेशानी में रहते हैं। इस समय लातूर बाजार समिति में सोयाबीन और चने की आवक बढ़ी है। सोयाबीन की कीमतों में पूरे सीजन उतार चढ़ाव रहा, जबकि चने की कीमत 4,500 रुपये से ज़्यादा नहीं हुई। एक तरफ प्रमुख फसलों की कीमतों में गिरावट आ रही है, वहीं दूसरी तरफ जुताई से लेकर कटाई तक की लागत बढ़ गई है। ऐसे में किसानों को खरीफ फसलों की खेती कैसे होगी, इसको लेकर चिंता है। वहीं इस साल मराठवाड़ा के किसानों ने गर्मियों में सोयाबीन की खेती की थी, उत्पादन भी अच्छा मिला, लेकिन कीमतों में कमी देख किसानों ने भंडारण करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि कपास की तरह ही सोयाबीन को रिकॉर्ड रेट मिलेगा। अब कुछ किसान बीज के रूप में सोयाबीन की बिक्री कर रहे हैं। ज्यादातर किसान सोयाबीन बेचने की बजाय भंडारण पर ध्यान दे रहे हैं और कीमतों में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।